सो गाइस आईपीएल 2021 के ऑक्शन में कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है और गाइस फाइनली चेन्नई सुपर किंग के कैंप को लेकर काफी बड़ी बड़ी खबरें हम फाइनली निकल के आ रही है। चेन्नई के अब जो सपोर्टर रहेंगे, जो टीम मैनेजमेंट है, उनके क्या प्लान्स रहने वाले हैं वो भी हमारे सामने रिवील होते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी खास बात यह है कि चेन्नई के मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे एमएस धोनी भी जुड़े हुए हैं। हाँ गाइस, एमएस धोनी भी चेन्नई के सभी मैनेजमेंट, सभी सपोर्ट स्टाफ, सभी के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं, इनके कॉन्टेक्ट में बने हुए हैं। कौन से खिलाड़ियों को लेना चाहिए, कौन से खिलाड़ी को नहीं लेना चाहिए, इसकी जो सबसे बड़ी जो बातें चल रही हैं वो एमएस धोनी की ओर से ही चलती हुई नजर आ रही है। और गाइस आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर चेन्नई सुपर किंग वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं जिन पे ये नजरें बैठा के बैठे हैं। और गाइस ऐसा हो सकता है कि इस बार के मेगा ऑक्शन से पहले ये 5 खिलाड़ी चेन्नई की टीम में पहले ही जुड़ जाए। और गाइस ये जो खिलाड़ी जुड़ने वाले हैं वो बाय द ट्रेड के हिसाब से जुड़ने वाले हैं। हाँ गाइस, ये जो खिलाड़ी, जो 5 मैं प्लेयर्स के नाम बताने वाला हूँ वो ट्रेड होके चेन्नई की टीम में जुड़ सकते हैं। और गाइस ट्रेडिंग के अनुसार ही ये खिलाड़ी दूसरे टीम से आने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के साथ। तो भाई बहुत ही डिटेल वीडियो रहने वाली है, हमेशा की तरह एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले खिलाड़ी के नाम की जिस पे चेन्नई सुपर किंग की नजर है, ये खिलाड़ी ट्रेड होकर चेन्नई की टीम में आ जाएगा। इस खिलाड़ी का नाम है पृथ्वी शॉ। हाँ गाइस, पृथ्वी शॉ के पीछे चेन्नई सुपर किंग की काफी बड़ी नजर है, क्योंकि अगर पृथ्वी शॉ की बात करें तो इस बार ये मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज होने वाले हैं। ये 100% कंफर्म है कि दिल्ली कैपिटल्स जो कि 5 खिलाड़ी को ये रिटेन कर सकते हैं उनमें ये फिट नहीं बैठ सकते हैं। और गाइस इसी वजह से यहां पे दिल्ली कैपिटल्स की अब नजरें रहने वाली है कि इन्हें ट्रेड करके, पृथ्वी शॉ को ट्रेड करके किसी और खिलाड़ी को लाया जाए दिल्ली कैपिटल्स की टीम में। और गाइस अगर हम बात करें दिल्ली कौन से प्लेयर को अगर ढूंढ रही है यहां पे हम बात करें रिप्लेसमेंट के तौर पे चेन्नई सुपर किंग की टीम में, तो उस खिलाड़ी का नाम है शार्दुल ठाकुर। हां गाइस, शार्दुल ठाकुर को ये ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पृथ्वी शॉ को ट्रेड कर देंगे चेन्नई सुपर किंग की टीम में और वहां पे वो चेन्नई से ट्रेड होके जो कि शार्दुल ठाकुर है वो पहुंच जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम में। और गाइस अगर हम बात कर लें पृथ्वी शॉ के आने के बाद काफी ज्यादा फायदे होने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग को, क्योंकि गाइस अगर हम बात करें तो चेन्नई को जरूरत है एक यंग टैलेंट की, एक युवा भारतीय बल्लेबाज की जो कि ओपनिंग करता हो। और गाइस वहां पे अगर हम बात कर लें तो पृथ्वी शॉ काफी ज्यादा बेस्ट होते हैं। और गाइस इसी वजह से यहां पे अगर हम बात कर लें तो यहां पे पृथ्वी शॉ सबसे ज्यादा बेटर बैट्समैन हो सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग अगर ट्रेड के बारे में सोच रही है तो इनका जो सबसे पहला जो नजर है वो पृथ्वी शॉ के ऊपर पड़ा है। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। सो गाइस इस ऐप का नाम है 11 हिट्स। और गाइस अगर मैं बात करूं इस ऐप में क्या खासियत है तो इस ऐप काफी ज्यादा स्मूथ चलता है, काफी ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपने पैसे लगाना चाहते हैं, अगर आप कोई भी फैंटेसी 11 खेलना चाहते हैं तो ये ऐप काफी ज्यादा बेटर है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप 10 टीम तक आप बना सकते हैं और इस समय जो कि इंडिया वर्सेज और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो कि सीरीज चलने वाली है उसके लिए भी काफी अच्छे ऑफर्स आए हैं। और अगर आप साइनिंग करेंगे, साइनअप करेंगे तो वहां पे आपको 100 रुपीज बोनस मिलेंगे जो कि काफी बेहतर बात है। आपको टीम बनाने के लिए, स्टार्टिंग की टीम बनाने के लिए आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और गाइस आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो वहां पे आपको लिंक मिलेगी और वहां पे आपको एक रेफरल कोड मिलेगा जो कि धमाल के नाम से रहेगा। और अगर इसे आप ऐड करते हैं तो आपको 100 रुपीज प्लस ऐड और हो जाएंगे, यानी आपको 100 रुपीज हमारे ओर से मिलेंगे। और गाइस ये जितने मेरे सब्सक्राइबर है, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये काफी बेटर ऑप्शन है, काफी बेहतर मुकाम है। इस समय अगर आप जाके 11 हिट्स पे आप पैसे लगाएंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। दूसरे ऐप के मुकाबले ये काफी अच्छा है और यहाँ पे अगर आप पैसे लगाएंगे तो आप काफी बेटर तरीके से जीत सकते हैं। सो गाइस आप इस ऐप को जाके ट्राई जरूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे खिलाड़ी के नाम के जिन पे चेन्नई सुपर किंग की काफी तेज नजरें रहने वाली है। और गाइस चेन्नई सुपर किंग का हर भरसम प्रयास रहने वाला है कि इस खिलाड़ी को ट्रेड करके कैसे न कैसे करके अपनी टीम में ला दिया जाए। और गाइस इस खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद नबी। हां गाइस मोहम्मद नबी को मैंने पहले भी आपको बता रखा हूं कि चेन्नई इन्हें अपनी टीम में लेने की कोशिश कर रही है। और गाइस फाइनली अब चेन्नई की तरफ से रिवील हो चुका है कि ये मोहम्मद नबी के पीछे जाने वाले हैं। और गाइस मोहम्मद नबी अगर आ जाते हैं चेन्नई के टीम में, अगर ट्रेड होकर आ जाते हैं तो सबसे ज्यादा इन्हें फायदा होने वाला है, क्योंकि गाइस इन्हें आखिरी में आके एक फिनिशर बैट्समैन मिल जाएगा जो कि अंतिम में आके काफी अच्छा फिनिशिंग टच देता हो और उसके बाद इन्हें एक ऐसा गेंदबाज मिल जाएगा जिसकी इकोनॉमी हमेशा 6 के अंडर रहती है, जो कि बल्लेबाजों को बांध के रखता है और 4 ओवर आपको काफी ज्यादा क्रूशियल ओवर्स आपको सामने मिल जाएंगे। और गाइस हम बात करें मोहम्मद नबी की तो ओवर एंड ऑल अगर मोहम्मद नबी की हम देखेंगे तो ये काफी ज्यादा परफेक्ट ऑप्शन है। लेकिन गाइस मोहम्मद नबी को तो ये ले आएंगे लेकिन चेन्नई को भी एक खिलाड़ी को ट्रेड करके उन्हें देना पड़ेगा, हैदराबाद को देना पड़ेगा। और गाइस ये जिस खिलाड़ी को ट्रेड करने वाले हैं उनका नाम है पीयूष चावला। हां गाइस पीयूष चावला की जरूरत है हैदराबाद को, क्योंकि यहां पे राशिद खान के साथ
कंधे पे कंधा मिला के एक खिलाड़ी चाहिए। और गाइस उसमें अगर हम बात करें तो पीयूष चावला सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं। गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे खिलाड़ी के नाम की जिन्हें ये चेन्नई सुपर किंग की टीम इन्हें ट्रेड करती हुई नजर आ सकती है। और गाइस इस खिलाड़ी का नाम है डेविड मिलर। हाँ गाइस, डेविड मिलर के पीछे भी चेन्नई सुपर किंग की सोच है कि डेविड मिलर को भी अपनी टीम में लाया जाए, क्योंकि गाइस आप डेविड मिलर की अब बात करेंगे तो पिछले 3-4 साल आप देखेंगे तो उतने ज्यादा अच्छे गए नहीं आईपीएल में। लेकिन गाइस डेविड मिलर का आप अगर पूरी तरीके से उनका पिछला जब इतिहास आप उठा के देखेंगे तो आप जानेंगे कि वो काफी ज्यादा परफेक्ट बल्लेबाज है, काफी बेटर ऑप्शन है। और गाइस अगर हम बात करें डेविड मिलर की तो डेविड मिलर जब भी लय में आएंगे तो वो पूरा सीजन काफी ज्यादा बेटर खेलने वाले हैं, पूरे सीजन में अपना छाप छोड़ते हुए नजर आने वाले हैं। और गाइस इसी वजह से यहाँ पे डेविड मिलर जो कि इस साल एक भी मुकाबला नहीं खेले थे, सिर्फ एक मुकाबला खेले थे राजस्थान रॉयल्स की ओर से, लेकिन उसके बाद ये एक भी मुकाबला खेलते हुए नजर नहीं आते। और गाइस उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स सोच रही है कि जो कि चेन्नई को जरूरत है मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर विदेशी बल्लेबाज की, डेविड मलान के पीछे जाने वाले हैं। अगर डेविड मलान इन्हें नहीं मिलते हैं तो वहां पे अगर हम बात करें तो अगर ये डेविड मिलर को अगर ट्रेड करके अपनी टीम में ला देते हैं तो इनके लिए काफी ज्यादा बेटर होने वाला है। और गाइस अगर एक बार डेविड मिलर अगर चेन्नई के साथ जुड़ जाएंगे तो इनकी आप टीम बैलेंस देखेंगे तो पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाएगा। गाइस डेविड मिलर को ये ले तो आएंगे लेकिन ये ट्रेड करके जो देने वाले हैं उस गेंदबाज का नाम है जॉस हेजलवुड। हां गाइस, जॉस हेजलवुड को ये उठा के दे देने वाले हैं, इन्हें ट्रेड कर देने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स में। और गाइस यही वो तीसरे खिलाड़ी रहने वाले हैं जिनकी चेन्नई सुपर किंग की नजर है कि इन्हें ट्रेड करके अपनी टीम में लाया जाए। तो गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं अगले खिलाड़ी के नाम की जिनकी चेन्नई सुपर किंग की नजरें रहने वाली है कि इन्हें कैफे न कैफे ट्रेड करके अपनी टीम में लाया जाए। और गाइस इस चौथे खिलाड़ी का नाम है संदीप लामिछाने। हां गाइस, संदीप लामिछाने को चेन्नई सुपर किंग की टीम सोच रही है कि इन्हें कैफे न ट्रेड करके अपनी टीम में लाया जाए। और गाइस अगर हम बात करें तो ये नेपाल से आते हैं और गाइस ये इस सीजन में एक भी मुकाबला नहीं खेले थे, लेकिन इससे पहले अगर सीजन की हम बात करें तो संदीप लामिछाने काफी ज्यादा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, अपने फिरकी पे लगातार बल्लेबाजों को फंसा रहे थे, काफी ज्यादा झापा दे रहे थे। और गाइस अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जो होम ग्राउंड रहने वाला है चेन्नई का, जो कि चेपॉक का स्टेडियम रहने वाला है, ये काफी ज्यादा फ्रेंडली विकेट है स्पिनर्स के लिए। और गाइस वहां पे अगर संदीप लामिछाने गेंदबाजी करेंगे तो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, विकेट काफी तेजी से चटकाते हैं, लगातार विकेट चटकाते हैं। और गाइस इसी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा आसान हो जाएगा यहाँ पे हम बात कर लें चेन्नई के लिए मैच जीतने के लिए। गाइस अगर बात कर लें तो यहाँ पे इमरान ताहिर को ये 100% कंफर्म है कि रिलीव कर देंगे। इमरान ताहिर अब हो सकता है कि अगला आईपीएल भी खेलते हुए नजर ना आए। और गाइस वहां पे अगर हम बात कर लें इमरान ताहिर की जगह जो सबसे बेटर जो रिप्लेसमेंट हो सकते हैं वो संदीप लामिछाने हो सकते हैं। लेकिन गाइस संदीप लामिछाने को ये ले तो आएंगे लेकिन इन्हें एक खिलाड़ी को ट्रेड करना पड़ेगा। और गाइस वो जो खिलाड़ी ट्रेड होने वाला है दिल्ली को, उस खिलाड़ी का नाम है केदार यादव। हां गाइस, केदार यादव को अगर ये ट्रेड कर देते हैं तो इन्हें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि गाइस केदार यादव जाएंगे तो इन्हें सबसे ज्यादा ये फायदा होने वाला है कि इनकी जो पैसे जो कि केदार यादव के पीछे ये 8 करोड़ रुपए लगा के बैठे थे वो इन्हें पूरी तरीके से रिफंड हो जाएगा, काफी ज्यादा ये फायदे में चले जाएंगे। और गाइस केदार यादव को खुद अपनी प्राइस सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि वो कितने रुपए में जाना चाहते हैं अगर हम बात करें दिल्ली की टीम में। और गाइस अगर वो कोई भी इन्हें दिक्कत लगती है तो उन्हें ये भी हो सकता है कि चेन्नई की सुपर किंग की टीम अपनी टीम में शामिल कर ले और गाइस दिल्ली को पैसा दे के ये संदीप लामिछाने को ले आए। और गाइस एंड मौके पे ये हो सकता है कि केदार यादव को ये रिलीव कर दे। गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं अंतिम बल्लेबाज की, अंतिम खिलाड़ी के नाम की जिन्हें ये ट्रेड करने के फिराक में। और गाइस उस खिलाड़ी का नाम है क्रिस लिन। हाँ गाइस, क्रिस लिन की मैंने आपको काफी दिनों से आपको बता रखा हूँ कि क्रिस लिन अगर चेन्नई सुपर किंग की टीम में आ जाते हैं तो इन्हें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और गाइस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो कोच है इनके ये सोच रहे हैं कि कैसे न कैसे करके क्रिस लिन जैसे बल्लेबाज को अपनी टीम में लाया जाए। और गाइस अगर हम बात करें क्रिस लिन अगर आ जाते हैं तो इनकी बैलेंस पूरी तरीके से बन जाएगी, क्योंकि गाइस जो शेन वॉटसन का जो कि इस साल वो छोड़ दिए हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, तो उसके बाद से चेन्नई को लगातार उम्मीद है कि कोई ना कोई खिलाड़ी इनके टीम में जुड़े जो कि शेन वॉटसन की कमी पूरा करता हो। और गाइस वहां पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे शेन वॉटसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर जो सबसे बेटर बल्लेबाज हो सकते हैं वो क्रिस लिन हो सकते हैं। और गाइस इसी वजह पे यहाँ पे क्रिस लिन के पीछे भी 100% कंफर्म है कि चेन्नई की निगाहें रहने वाली है कि अगर ये मुंबई इन्हें ट्रेड कर देती है, जो कि मुंबई आसानी से इन्हें ट्रेड कर देगी, क्योंकि गाइस क्रिस लिन की जरूरत है भी नहीं मुंबई इंडियंस को, मुंबई इंडियंस अपने साथ इन्हें रखना भी नहीं चाहेगी। और गाइस इसी वजह से ये क्रिस लिन को ये 100% कंफर्म है कि ये ट्रेड करने वाले हैं, किसी ना किसी टीम में ये ट्रेड करने वाले हैं इस बार ऑप्शन से पहले। और गाइस अगर ट्रेडिंग की बात कर लें तो चेन्नई की निगाहें इनके पीछे रहने वाली है। और गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग के टीम में आसानी से यहां पे क्रिस लिन ऐड हो सकते हैं। और गाइस क्रिस लिन अगर ऐड होंगे तो आप समझ सकते हैं कि कैसी टीम यहां पे चेन्नई की टीम बन जाएगी। लेकिन गाइस ये ट्रेड तो हो जाएंगे लेकिन इन्हें मुंबई को किसी ना किसी खिलाड़ी को देना पड़ेगा। लेकिन गाइस मुंबई उस टीम में नहीं है कि आप किसी खिलाड़ी को अगर पैसे देकर ले लेंगे तो मुंबई ऐसे मान जाएगी, इसलिए गाइस मुंबई की जो निगाहें रहने वाली
वाली है जो कि चेन्नई की, जो खिलाड़ी को ले सकते हैं उन खिलाड़ी का नाम है करण शर्मा या आर साई किशोर में से कोई एक गेंदबाज को मुंबई भी लेती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई की आप टीम उठा के देखेंगे तो काफी ज्यादा बैलेंस लग रही है, लेकिन गाइस ये 100% कंफर्म मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कृणाल पांड्या को बाहर निकालने वाले हैं। और गाइस कृणाल पांड्या अगर एक बार रिलीज होने वाले हैं तो यहाँ पे जो सबसे बेटर जो ऑप्शन हो सकते हैं वो करण शर्मा और आर साई किशोर हो सकते हैं। और गाइस ये दोनों खिलाड़ी अगर जुड़ जाते हैं तो इनके लिए काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा। और गाइस इसी वजह से जो पांचवें खिलाड़ी और अंतिम खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि ट्रेड होते हुए नजर आ सकते हैं, उन खिलाड़ी का नाम है क्रिस लिन। सो गाइस ये थे वो सभी खिलाड़ी उन सभी बल्लेबाजों के लिए जो कि आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन पे पहले ट्रेड हो सकते हैं। और गाइस बीसीसीआई प्लान कर रही है कि आप जिस खिलाड़ी को आप ट्रेड कर देंगे उस वो खिलाड़ी नीलामी में नहीं आने वाले हैं। और गाइस इसी वजह से अगर ऐसा नियम अगर लग जाता है तो इस बार ट्रेडिंग काफी ज्यादा शानदार हमें देखने को मिलने वाली है। तो गाइस फाइनली आप बताइए कि इन खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी रहने वाला है जो कि ट्रेड होने वाला है, जो कि जुड़ने वाला है चेन्नई की टीम में। दोस्तों आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स को जरूर कमेंट करिएगा। और गाइस फैंटेसी 11 जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि गाइस आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच का पूरी तरीके से लुत्फ उठाना है तो इस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिए, क्योंकि गाइस इससे बेटर आपको ऐप में ही मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे हम अगले एनालिसिस के साथ।